डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट नंबर 1 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, इवैल्यूएट 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है cot का थीटा। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin theta divide by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। यहां आपको दिखा a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, ये किसके बराबर होता है बच्चों? a square minus b square। तो 1 plus sin theta 1 minus sin theta, ये किसके बराबर होगा बच्चों? 1 square minus sin square theta over, similarly 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, a plus b, a minus b, a square minus b square, 1 का square 1, sin square theta, और 1 का square 1, cos square theta। हम लोगों ने identity पढ़ी है, sin square theta प्लस cos square theta इक्वल टू बच्चों 1। तो यहां से मैं फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं। एक बार sin square theta उस तरफ जा रहे हैं, 1 minus sin square theta, ये किसके बराबर है बच्चों? cos square theta। और एक बार cos square theta उस तरफ जाएगा बच्चों, 1 minus cos square theta, तो इससे बच्चों क्या बचा? sin square theta। देखिए एक बार मैं sin square theta को उस तरफ ले गया हूं, तो 1 minus sin square theta, इधर आएगा cos square theta। एक बार मैं cos का थीटा को उस तरफ ले गया तो 1 minus cos का थीटा, ये चीज मैं यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो 1 minus sin का थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? cos का थीटा। और 1 minus cos का थीटा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? sin का थीटा। cos का थीटा / sin का थीटा किसके बराबर होता है? cos का थीटा, क्योंकि मुझे पता है cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों? 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। पहला आंसर आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट है cot square थीटा, ये सीधा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि cot theta की वैल्यू आपके पास है 7/8। तो इसका आंसर होगा बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आप इस सवाल को उस मेथड से कर सकते हैं जिससे हमने अभी तक पिछले सवाल किए हैं, कि मतलब cos theta यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोल सोना चांदी तोल cosecant secant cot। तो cot theta 7/8 किसके बराबर हो गया? b upon p। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, यहां से पाइथागोरस लेकर निगाह लगा के h की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आप sin theta और cos theta की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है जो है sin का theta + cos का theta = 1। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a + 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। या तो LHS equals to RHS है या नहीं है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा 3 cot a equals to 4, और cot a की वैल्यू आएगी बच्चों equals to 4/3। यूज वही करेंगे PBP HHB, cot यहां आएगा तो cot की वैल्यू होगी बेस ओवर परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, गिवन एंगल थीटा, डिसाइडेड द बेस, ये परपेंडिकुलर और थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज।
तो बी कितना है बच्चों, 4। पी कितना है बच्चों, 3। क्योंकि उन्होंने रेशियो दिया मुझे, तो मैं इसको 4 अपॉन 3 की जगह 4 के और 3 के लूंगा। पाइथागोरस यूज करूंगा इसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करूंगा 4 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। जब ऐड करूंगा तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर मींस 5 के। एच आपको पास आ गया 5 के। अब यहां से मुझे वैल्यूज निकालनी है टेंजेंट की, कॉस की और साइन की। उन्होंने ए दिया था, आप इसको ए मेंशन कर दो, टेंजेंट ए साइन ए कॉस। मुझे इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मैं ये वैल्यू निकाल के इस रिलेशन को प्रूव कर सकूं। तो टेंजेंट किसके बराबर होगा, पी अपॉन बी। पी कितना है बच्चों, 3 के डिवाइड बाय 4 के, के से के कैंसिल 3/4। और बच्चों उसका मुझे निकालना है कॉस, कॉस किसके बराबर है, बी अपॉन एच। बी कितना है, 4 के, एच कितना है 5 के। अच्छा यहां कैंसिल कर लो, चाहे इक्वेशन में कैंसिल कर लीजिए, साइन है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, एच कितना है 5 के, के से के कैंसिल। तो आपके पास टेंजेंट साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आ गई। अब एलएचएस को उठाएंगे, एलएचएस क्या है, 1 माइनस टेंस के रे ओवर 1 प्लस टेंस के रे। मैंने यहां से एलएचएस को लिया, ये LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है। टेंजेंट की जगह मैं वैल्यू यूज करूंगा बच्चों 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16, 16 ऐसे होगा होल डिवाइड 16, फिर से एलसीएम होगा 16 माइनस 9 करेंगे 7/16 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 प्लस 9 करेंगे 7/25, ये आपका वैल्यू आ गई है। अब हम आरएचएस को लेंगे, जो आपका आरएचएस है वो है कॉस के लिए माइनस, साइन के लिए कॉस ए की वैल्यू आपके पास है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/5। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बच्चों 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस आरएचएस को लिया है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कॉस ए और साइन की वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर कर दिया है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे 7/25। तो आप चेक करेंगे आंसर, जब मैंने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 7/25, और जब हमने आरएचएस को सॉल्व किया तभी हमारे पास आंसर आया 7/25। तो लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर आपका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट पी, उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिए
राइट एंगल एट बी. फिर टेंजेंट एक पोस्ट बट बाय रूट थ्री इन गिवन एंगल थीटा. डिसाइडेड द बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी. तो देखने वाली बात है कि जो ये टेंजेंट ए है इसकी हेल्प से तो मैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो सी की मुझे वैल्यू निकालने के लिए एंगल को यहाँ लेना पड़ेगा सी पे. तो उससे पहले मैं पहले साइड से निकाल लेता हूँ और ए की वैल्यू से निकाल लेते हैं पहले. तो टेंजेंट ए आपको कितना दे रहा है वो 1/√3. फिर से आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पी बी पी एच एच. यहां टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 1k, बेस कितना हो गया √3k. अब इस कॉन्सेप्ट में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करने लगा हूं क्योंकि मुझे तीसरी साइड भी चाहिए. पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर. एच स्क्वायर √3 स्क्वायर मीन्स 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर. तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट 4k स्क्वायर मीन्स 2k. तो अब एंगल ए की हेल्प से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं साइन ए कॉस ए. तो साइन ए किसके इक्वल होगा बेटू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच. ये देखिए साइन पी अपॉन एच. पी कितना है बच्चों 1k और एच कितना है बच्चों 2k. ये से k कैंसिल 1/2. अब मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ए की बी अपॉन एच. बेस कितना आपके पास √3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2k √3/2. ये तो मेरे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई जो मैं यहां पर कर सकता. अब मुझे किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस सी और साइन सी. जब मुझे कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस ट्राइंगल में एंगल को मूव करना पड़ेगा ए की जगह शिफ्ट करना पड़ेगा सी की तरफ. तो मैं एंगल को जब शिफ्ट करूंगा ए बी एब्रिवेशन वही रहेगी ये सी हो जाएगा. जब आप एंगल इसको ले रहे हैं तो गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस कॉन्सेप्ट लगा के ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा. बेस आपके पास जो बीसी की वैल्यू थी वो सेम रहेगी 1k. देखिए वैल्यू चेंज नहीं हो रही है सिर्फ एंगल चेंज हो उसके वजह से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुए हैं √3k और बच्चों 2k. अब मुझे कॉस सी निकालना है या साइन सी. तो साइन सी के लिए वही फॉर्मूला रहेगा पी अपॉन एच और कॉस सी के लिए भी सेम वही फॉर्मूला रहेगा बी अपॉन एच. चेक करेंगे चीज वही है पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी. अगर सी ले रहा हूं तब भी पी अपॉन एच है अगर ए ले रहा हूं तब भी पी अपॉन एच है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों √3k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कैसे k कैंसिल √3/2 और बेस कितना है 1k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2k कैसे k कैंसिल और 1/2. अब ध्यान से देखिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. जब आपको साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ रही है तो आपको a का एंगल यहां लेना पड़ रहा है तो a यहां देने से बेस हो गया है. जब आपको कोसाइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी पड़ रही है तो आपको सी यहां लेना पड़ रहा है तो बेस इस केस में बीसी हो गया. पहले केस में ए भी बेस है ध्यान रखिएगा इसका. अब यहां वैल्यूज पुट करनी शुरू करेंगे. पहला पार्ट बोलता है साइन ए. साइन ए की वैल्यू बच्चों 1/2. फिर बोलता है कॉस सी
कॉस सी की वैल्यू बच्चों 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू बच्चों √3/2 इनटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू बच्चों √3/2। मैंने साइन ए की जगह 1/2, कॉस सी की जगह 1/2, कॉस ए की जगह √3/2 और साइन सी की जगह √3/2 वैल्यू यहां से डाल दी। ये हो जाएगा 1/4 √3 × √3 = 3/4। एलसीएम लेंगे 4 4/4 पहले का आंसर आपको बना के। सिमिलरली सेकंड पार्ट करूंगा, कॉस ए, कॉस ए आपके पास √3/2 और बच्चों कॉस सी आपके पास है 1/2 माइनस साइन ए आपके पास है 1/2 और साइन सी है बच्चों आपके पास, कॉस ए आपके पास है √3/2, कॉस सी आपके पास है 1/2, साइन ए आपके पास है 1/2 और अब साइन सी, साइन सी आपके पास है √3/2। ये दोनों लाइन टर्म्स है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आएगा आपके पास 0। तो इस क्वेश्चन में मैं प्रोफेसर से कांसेप्ट क्लियर करा देता हूं। उन्होंने टेंजेंट ए देखी, मुझे साइन ए कॉस सी बोला है निकालने को या कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी बोला है, तो सी को निकालने के लिए मुझे सेम यही ट्रायंगल उठानी पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल उठानी पड़ेगी और एंगल को शिफ्ट करना पड़ेगा ए की जगह सी पे, तो उस केस में बेस हो जाएगा और ये सेम क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स अब जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं, PQR राइट एंगल एट क्यू, तो आप भी कहीं भी ले सकते हैं PR इन विच PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। तो या तो आप PR की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ QR या QR की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ PR, तो PR आपके पास हो गया 25 माइनस QR एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू RQ या QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो PR आपने निकाला 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, चाहे RQ लिखिए चाहे QR लिखिए, PQ कितना दे रखा है आपको 5 स्क्वायर। मैंने इसका वैल्यू पुट किया, मैंने इस क्वेश्चन को QR में चेंज कर दिया, मेरे पास दो अननोन साइड्स थी PR एंड QR, अब इस स्टेप के बाद मेरे पास एक ही अननोन साइड है QR चाहे RQ, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं यहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसके बराबर रहेगा, आरक्यू स्क्वायर प्लस 25, ये प्लस का आरक्यू स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचा 625 माइनस 50 QR 25 इक्वल्स टू 25, ये प्लस का 25 इस तरफ इक्वल्स टू 15, ये टर्म इक्वल्स उस तरफ, तो माइनस वाली टर्म प्लस की, 600 डिवाइड बाय 15 5 × 5 = 5 × 2 = 10, तो QR की आपका वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब PR आप यहां से निकाल सकते हैं,
पीआर आपके पास है 25 माइनस क्यूआर, मतलब 25 माइनस 12, मैंने क्यूआर की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। देखिए पाइथागोरस किस तरह से लगाएंगे कि पहले दो अननोन साइड्स थी पीआर क्यूआर, तो मैंने इस रिलेशन का जो उन्होंने मुझे दिया है कि पीआर प्लस क्यूआर इक्वल टू 25, इसका मैंने यूज करके पीआर को इन टर्म्स ऑफ क्यूआर लिख लिया ताकि मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। अब वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। जब वो मुझे पी बोलते हैं तो मैं इस एंगल को मार्क करूंगा, गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस, ये परपेंडिकुलर, और बच्चों ये हाइपोटेन्यूज। साइन पी कॉस पी टेन पी निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है ये साइन ये कॉस साइन पी पी अपॉन एच कॉस पी बी अपॉन एच और बच्चों टेंजेंट पी पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू चेक करेंगे 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13, सिर्फ मैं वहां से वैल्यूज ले रहा हूं, बेस कितना है अपने पास 5 और एच कितना बच्चों 13, फिर से पी आपका 12 डिवाइड बाय बेस कितना बच्चों 5। तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम एक एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में सेम इससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा।